हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। स्टैंडर्ड 12th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड डिवाइड बाय डीएक्स इन द फॉलोइंग वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कोई कोस का फॉर्मूला है, तो कोस का एक फॉर्मूला है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि वो किसका फॉर्मूला हो जाता है, कोस इनवर्स बोलो कोस 2 थीटा। ऊपर लिख ही दिया है दोस्तों आपको, ना कोस इनवर्स कोस कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा। नाउ अगेन यहाँ पे पुट कर देंगे कि पुट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे थीटा को सब्जेक्ट बनाओ तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे पुट कर देते वाई इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा डीवाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x, तो बाहर की साइड से लगेगा तो 2 tan d by dx of tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है दोस्तों, d by dx is equal to 2 tan इनवर्स x का होता है 1 plus 1 upon sorry 1 upon 1 plus x square होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 को अंदर की साइड मल्टीप्लाई तो 2 upon 1 plus x square आपको आंसर मिल जाएगा। d by dx is equal to 2 upon 1 plus x square। एक बार वापस फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे y is equal to cos inverse 1 minus x square 1 plus x square है, तो आपके पास ये सब फॉर्मूला है। यहाँ पे x की जगह पे आपको कुछ प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, तो x की जगह पे प्रेडिक्ट करने के लिए ऐसा 10 थीटा है कि तो आप पुट कर दोगे तो क्या होगा 1 minus 10 square theta 1 plus 10 square theta, और वो किसका फॉर्मूला बन जाता है cos 2 theta का। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेट x is equal to 10 theta ले तो 1 minus 10 square theta 1 plus 10 square theta, और एक किसका फॉर्मूला है cos 2 theta का। नाउ यहाँ पे cos inverse एंड cos दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा 2 थीटा। नाउ थीटा की जगह पे वापस पुट करेंगे तो 10 इनवर्स x होता है तो 2 10 इनवर्स x, तो 2 एज अ कांस्टेंट, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 एज अ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा ओके, और 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स का फॉर्मूला डेरिवेशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x पर, तो 2 इंटू 1 कर दोगे तो 2 अपॉन 1 प्लस x पर ऐसा आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। Have a nice day.